नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं कक्षा दसवीं का हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि है हिंदी का, सोशल साइंस का माफ कीजिएगा, और सामाजिक विज्ञान में आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास, मृदा संसाधन। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ मिस्टर कुलदीप शर्मा हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भूगोल के, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दधोल जगह है जहां पर उनका ये विद्यालय स्थित है। कुलदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा ये सत्र जो है, कुलदीप जी आज आप सभी को सोशल साइंस का पढ़ाएंगे। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम संसाधन एवं विकास की बात करने जा रहे हैं, मृदा संसाधन की, ये कैसे बच्चों को आप बताएंगे, शुरुआती दौर में समझाएंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज इसमें? जी, हम इसमें पूरी तरह से ये डिस्कस करेंगे कि मिट्टी जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन कैसे है और इसके क्या प्रमुख गुण होते हैं, उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे, और मिट्टियों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी हम। तो चलिए फिर जानें कि क्या है संसाधन और उसके विकास। संसाधन एवं विकास हमारा ये पहला चैप्टर है कक्षा दसवीं भूगोल विषय में, और मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में इसमें हम आज बातचीत करेंगे। तो मिट्टी के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संसाधन होते क्या है। तो प्रकृति द्वारा विद्यमान वे सभी पदार्थ जो हमें मनुष्य जो प्रत्यक्ष रूप से हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हैं, इन सभी मूल्यवान जो वस्तु हैं इनको हम संसाधन बोलते हैं। कुछ इसमें प्राकृतिक हैं, जैसे कि जल है, वायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, इस तरह से, और कुछ जो है मानव ने स्वयं निर्मित किए होते हैं। यानी कि मानव जो है वो प्रकृति से ही कुछ चीजें लेता है, उनको मॉडिफाई करता है और उसके बाद इस्तेमाल कर लेता है। जैसे कि कृषि क्षेत्र से मनुष्य के द्वारा कपास ली जाती है, उससे फिर वो धागा बना लेता है और उसके बाद उसका वो कपड़ा बना लेता है, या फिर वनस्पति से वो रॉ मटेरियल लेता है, उसका वो कागज बना लेता है। इस तरह से विभिन्न चीजें जो है उनका वो इस्तेमाल करता है। संसाधन जो है ये नवीकरणीय भी हो सकते हैं, यानी कि जिनका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं ऐसे भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह है, कोल वगैरह है, हम एक बार निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम उसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके बनने की जो प्रकृति में प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी है। तो हम इसमें आज बात करेंगे मिट्टी की एक संसाधन के रूप में, कि मिट्टी जो है ये हमारे लिए क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम ये सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मृदा को हम परिभाषित कैसे करेंगे, एक लाइन में हम किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो मिट्टी जो है ये, इसको इंग्लिश में हम सॉयल बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो महीन कणों से बनी होती है, लेकिन उसकी एक खासियत यह है कि उसके ऊपर वनस्पति ग्रो होनी चाहिए, यानी कि उसमें सारे के सारे वो पोषक तत्व, वायु, पानी या ह्यूमस वो उसमें मिक्स होने चाहिए, ताकि उसके ऊपर प्लांट लाइफ जो है वो ग्रो कर सके। तो प्लांट लाइफ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सभी उसमें होने चाहिए, अन्यथा वो मिट्टी नहीं कहलाएगी। वैसे जनरली जहां भी हम पृथ्वी के सरफेस के ऊपर देखते हैं, अगर हमें वहां पर वनस्पति नजर आती है, वनस्पति की ग्रोथ वहां हो चुकी, तो इसका मतलब सीधा यही है कि उसके नीचे मिट्टी का विकास हो चुका है। जनरली हम देखें तो मिट्टी का विकास जो है ये बहुत ही एक धीमी प्रक्रिया है, जिसको हम आगे चल करके अभी धीरे धीरे समझेंगे कि मिट्टी बनती कैसे है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश इसमें इस स्लाइड के माध्यम से करेंगे कि मिट्टी जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है। अगर हम यूं कहें कि मिट्टी के बिना हमारी धरती के ऊपर जीव जंतु और वनस्पति का होना असंभव है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही वनस्पति उगती है और वनस्पति ही सभी जीव जंतुओं, सभी प्राणियों के लिए आहार पैदा करती है। सभी का जो खाना पीना है उनका वो सारा का सारा हमारा वनस्पति के ऊपर निर्भर करता है, और वनस्पति जो है अच्छी मिट्टी में ही ग्रो करती है। अगर मिट्टी ठीक ढंग से डेवलप नहीं हुई होगी तो उसके ऊपर
वनस्पति नहीं होगी और वनस्पति नहीं होगी तो जीव जंतु यहाँ पर नहीं होंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ यहाँ पर मिट्टी और कृषि, यानी कि जिन क्षेत्रों की मिट्टियां उपजाऊ होंगी वहीं पर हम शिकार पाएंगे, वहीं पर हम खाद्यान्न का उत्पादन कर पाते हैं। जिन क्षेत्रों में मिट्टी अनुपजाऊ होती है या मिट्टी नहीं होती है वहां पर हम कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जिन क्षेत्रों में मिट्टी होगी उन्हीं क्षेत्रों में हमें वनस्पति मिलेगी, और वनस्पति हम सब जानते हैं कि हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें ऑक्सीजन देने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो मिट्टी के साथ वनस्पति का लिंक है और वनस्पति के साथ ऑक्सीजन का और साथ में मानव जाति का और जीव जंतुओं का। हमारे बहुत सारे उद्योग भी ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि तो कृषि क्षेत्र से ही अपने लिए रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कि चाय उद्योग है, कॉफी उद्योग है, चीनी उद्योग है, रबड़ उद्योग है, कपड़ा है, जूट है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हमारी हैं जो कि मिट्टी के ऊपर निर्भर करती हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि मिट्टी में अगर उत्पादन अच्छा होगा इन चीजों का तो हमारे उद्योग चलेंगे, हमारा विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि हमारा जो विकास है वो सीधा का सीधा हमारा मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जिन क्षेत्रों की मिट्टियां ज्यादा उपजाऊ होती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी ज्यादा निवास करती है, और जनरली हम अर्थ सरफेस के ऊपर देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ नहीं होती या मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ होता है वहां पर जनसंख्या का विकास या उसका घनत्व भी कम पाया जाता है। जी। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ या जितनी भी सभ्यताएं फली फूली वो उन्हीं क्षेत्रों में उनका विकास हो पाया जहाँ की मिट्टियां ज्यादा उपजाऊ थी, और जिन लोगों ने इन मिट्टियों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया या उनका अपर्दन हो गया उन क्षेत्रों से सभ्यताएं भी धीरे धीरे लुप्त हो गई। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी जैव विविधता है धरती के ऊपर, ये भी मिट्टियों की वजह से है, क्योंकि मिट्टियों में विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पैदा होती है, और अलग अलग प्रकार की वनस्पति को कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर है, जो जीव जंतु हैं, वो उनमें पनपते हैं। इस तरह से उसके बाद फिर खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला का उनकी डेवलपमेंट हो पाती है। जी। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ये मिट्टी का जो निर्माण है ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। यदि हम पृथ्वी के इतिहास में जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि लगभग एक सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में लगभग 100 वर्ष लगते हैं, और ये जो मिट्टी आज हम अपने सरफेस के ऊपर देखते हैं इसको बनने में हजारों या लाखों साल लगे होंगे। तो सबसे पहला इसमें फैक्टर जो है वो अपनी भूमिका जो अभिनय करता है वो यानी कि जो जिस चट्टान के टूटने से, जिस चट्टान के अपक्षय के कारण मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसको हम बेडरॉक या पेरेंट रॉक या मूल चट्टान के नाम से जानते हैं। जो गुण उस मूल चट्टान में होंगे वही गुण जो है अक्सर उससे बनने वाली मृदा में पाए जाते हैं। मूल चट्टान का अपक्षय कैसे होता है इसके लिए फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, और साथ में कुछ जैविक तत्व भी हैं जो कि चट्टानों को अपने ही स्थान पर उनका अपक्षय करते हैं, उनका उनकी वेदरिंग करते रहते हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे ये काम होता है। जैसे कि अगर हम इसमें भौतिक तत्वों की बात करें तो सूर्य की धूप है, उससे चट्टानें फैलती हैं, कभी सिकुड़ती हैं, कभी फैलती हैं, पदार्थ गर्मी लगने पर फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहती है। और इनमें चट्टानों में छोटी छोटी दरारें आ सकती हैं, इनसे छोटे छोटे कण जो है, चूर्ण जो है वो अलग होता रहता है, इसे इस तरह से चट्टानों से मिट्टी धीरे धीरे बनती रहती है। तो ये मेन फैक्टर है इसमें बेडरॉक, मूल चट्टान, जिसके गुण उसके ऊपर पाए जाने वाली मिट्टी में हमें मिलते हैं। वायु सेकंड सर प्लीज पीछे करेंगे इसको। दूसरा हमारा है जलवायु की। जलवायु किस प्रकार से मिट्टी के निर्माण कार्य को प्रभावित करती है। तो जिन क्षेत्रों की जलवायु हॉट और ह्यूमिड होती है वहां पर मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया भी फास्ट होती है, थोड़ा तेज होती है, क्योंकि यहाँ पर गलने सड़ने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी फास्ट होती है। और जिन क्षेत्रों का क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है उन क्षेत्रों में सड़न प्रक्रिया धीमी गति से होती है, इसलिए मिट्टियों का निर्माण वहां पर धीमी गति से हो रहा होता है, लंबा टाइम उसमें लगता है। इसके बाद धरातल है। धरातल यदि हमारा मान वहां पर धीमी गति से होगा क्योंकि ऊपर खबड़ जो धरातल है या ढलानदार जो धरातल है उसके ऊपर मिट्टी जो है उसका अपरदन भी ज्यादा होता है, जबकि जो प्लेन एरिया होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहां पर मिट्टी का अपरदन कम होता है, बह करके कम जाती है, तथा वहां पर मृदा का निर्माण थोड़ा फास्ट होता है। इसके बाद है जैविक पदार्थों की उपस्थिति। जिन
क्षेत्रों में जैविक पदार्थ, कीड़े मकोड़े, केंचुए वगैरह या वनस्पति ऑलरेडी है, वहां पर मृदा का निर्माण जो है वो फास्ट होता है, क्योंकि ये ह्यूमस पैदा करते हैं, ह्यूमस इनसे बनता है, और जब ये सड़न इसमें पैदा होती है तो उसके बाद मिट्टी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इससे जैविक पदार्थों से मिल जाते हैं। जिन क्षेत्रों में ऑलरेडी वनस्पति होती है वहां पर मृदा का अपरदन कम होता है, क्योंकि वनस्पति की जो जड़ें हैं ये मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, और इसके साथ साथ ही वनस्पति से गिरने वाले जो पत्ते हैं वो मिट्टी में मिक्सअप होते रहते हैं और वो सड़ करके उनका ह्यूमस बनता है, उनकी एक तरह से खाद बन जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें समय, टाइम, जो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मिट्टी के बनने में समय जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। मूल चट्टान अगर आपकी हार्ड होगी तो ज्यादा समय लगेगा, अगर मूल चट्टान हमारी थोड़ी सॉफ्ट है तो वो जल्दी टूट सकती है और समय उसमें थोड़ा कम लग सकता है, तथा लंबे समय में ये जो मिट्टी है इसमें कुछ लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। और चलो आगे हम इसमें बात करते हैं कि मिट्टी जो है इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। जी, मिट्टी के जो प्रमुख गुण हैं इनको जान लेना भी बहुत अनिवार्य है। जैसे कि हमने बात की कि मिट्टी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संसाधन है, इसका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी तो हमें खाद्य संकट से गुजरना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मिट्टी का रंग, मिट्टी का कोई ना कोई रंग होता है जो इसमें उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, यानी कि अगर ज्यादा होंगे तो गहरा रंग होगा और अगर कम होंगे तो हल्का रंग होता है। और मिट्टियां जो है आमतौर पर अपना जो रंग है ये अपनी बेडरॉक से भी लेती हैं, जो उनका मूल चट्टान का कलर होता है वही कलर हमें इन मिट्टियों में मिलता है। और इसके बाद अगर उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स है, मान लो उसमें कोई आयरन ऑक्साइड है, तो उसमें जंग लगने से उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड टाइप की या भूरे रंग की हो सकती है। दूसरी मिट्टी की विशेष मोटाई, ज्यादा मोटी जो मिट्टियां होती हैं उनको अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर उनका थोड़ा बहुत अपरदन भी हो जाए तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन मिट्टियों की मोटाई कम होती है वे थोड़ी कम उपजाऊपन लेकर के होती हैं, उनका हमें ज्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है, उनको अपरदन से बचाना होता है। इसके बाद है मिट्टी की आयु, यदि मिट्टी बहुत पुरानी है तो इसका मतलब अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी है, उसकी अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो उसमें जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनको हम उसमें डाल सकते हैं और उसको और ज्यादा फर्टाइल हम बना सकते हैं। जो नई बनी हुई मिट्टी होती है उसकी परतें भी पतली होती हैं, कण भी उसके थोड़े मोटे होते हैं और उसका उपजाऊपन भी कम होता है। इसके बाद है जल कणों की मात्रा, हर मिट्टी में जल कण का होना या मॉइस्चर का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो शुष्क मिट्टी होगी, उसके ऊपर हम खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, और यदि बहुत ही ज्यादा गीली होगी, चिपचिपी होगी, तो उसके ऊपर भी हम कृषि कार्य नहीं कर पाएंगे या दलदल में बदल जाती है। इसके बाद ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मिट्टी का, यानी कि वनस्पति और जीव जंतुओं के गले सड़े जो पदार्थ हैं उनका होना बहुत ही उपजाऊ होती है। इसके बाद मिट्टी के रासायनिक गुण, मिट्टी के रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो मिट्टी अम्लीय हो सकती है या फिर क्षारीय हो सकती है, अगर लाइमस्टोन उसमें ज्यादा है तो क्षारीय होगी, अगर कम है तो अम्लीय होगी। इसकी जो टेस्टिंग है वो सॉइल टेस्टिंग से हमें पता चलती है, जिसको हम पीएच वैल्यू मिट्टी की बोलते हैं, अगर पीएच वैल्यू 7 के आसपास है तो उस मिट्टी को बेस्ट माना जाएगा, अगर इससे बहुत कम है तो वो फिर वो अम्लीय होगी, एसिडिक होगी, यदि 7 से ज्यादा उसकी वैल्यू हमें मिलती है तो वो क्षारीय होगी, यानी कि बेसिक तरह की होगी। और लास्ट में है मिट्टी का गठन, यानी कि मिट्टी कौन से कणों से बनी है, उसके कणों का आकार कैसा है, वो बड़े कण है या छोटे कण है या मध्यम कण है। यदि कणों का आकार बड़ा है तो उस मिट्टी को हम रेतीली मिट्टी कहेंगे, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि ये ज्यादा देर तक पानी को अपने आप में समाहित नहीं रखती है, इसको रिटेन नहीं करनी पड़ती है, जबकि सैंडी सॉइल जो है, रेतीली मिट्टी है, ये हल चलाने के लिए या खेतीबाड़ी करने के लिए इजी होती है। सेकेंडली होती है सिल्ट, जिसके भी जिसमें की कणों का आकार मध्यम है, और तीसरी है क्ले सॉइल, जिसमें की कणों का आकार बिल्कुल ही महीन होता है, जिसको हम चिकन मिट्टी भी बोलते हैं, ये चिपचिपी हो जाती है जब इसमें पानी आता है, इसमें चिपचिपी हो जाती है, और इसकी खासियत यह है कि ये बहुत लंबे समय तक पानी को अपने आप में समाहित रख सकती है, बहुत लंबे समय तक ये गीली रहती है तो कृषि कार्यों के लिए अच्छी है, लेकिन जब ये पूर्ण रूप से सूख जाती है तो इसमें गहरी दरारें भी पड़ जाती हैं और इसको जोतना बहुत मुश्किल भी होता है। और चौथी है दोमट मिट्टी, जो कि इनके मिक्सचर से बनती है, लोमी सॉइल या दोमट मिट्टी। तो ये रहे मिट्टी के प्रमुख लक्षण।
अब हम बात करेंगे मिट्टी की गहराई की तरफ को, यानी कि वर्टिकल सेक्शन की बात करेंगे मिट्टी की जी। बहुत ही लंबे समय में जब मिट्टियां डेवलप होती हैं तो उनमें कुछ लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। तो सबसे गहराई में अगर हम जाएंगे तो उसमें हमें बेडरॉक मिलेगी, जिसकी हमने पहले भी बात की, पेरेंट रॉक, यानी कि जिसके टूटने से, जिसके अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। तो सबसे नीचे वाले लेयर को हम बेडरॉक बोलते हैं। यहाँ तक केवल बड़े जो वृक्ष की जड़ें पहुंच पाती हैं, बाकी जो हमारी प्लांट लाइफ है, जो प्लांट्स हैं या कृषि हम करते हैं, उनकी जड़ें हैं वो टॉप टू लेयर्स तक ही पहुंच पाती हैं। तो नीचे से जो सेकंड लेयर होती है सी होराइजन, जिसके लिए हमने लिखा हुआ है, इसमें चट्टानी टुकड़े जो जिनका अपरदन हो चुका है, जो चट्टान से अलग हो चुके हैं, वो यहाँ हमें मिलते हैं। और जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं बी होराइजन में, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है लेकिन कणों का आकार थोड़ा महीन हो जाता है। और सबसे टॉप में जो टॉप सॉइल जिसको हम बोलते हैं, या ए होराइजन जिसके लिए हमने लिखा हुआ है, ये सबसे महीन कणों से बनी हुई एक परत होती है। और हमारी जो वेजिटेशन है, जो हम खेती बाड़ी कृषि कार्य जो हम करते हैं, वो यहाँ तक सीमित उनकी जड़ें रहती हैं, या जो लंबे प्लांट जिनकी जड़ें लंबी होती हैं प्लांट्स की, वो सेकंड लेयर तक पहुंच पाती हैं। अभी हम बात करते हैं मिट्टियों के वर्गीकरण की, स्पेशली हम भारत की मिट्टियों की इसमें बात करेंगे जी। भारत में अनेक प्रकार का धरातल है, यानी कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं तटीय क्षेत्र है या द्वीप समूह है। तो अलग अलग क्षेत्रों के में जो है अलग अलग प्रकार की बेडरॉक्स या अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की भूआकृतियां हैं। कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी पड़ती है, कहीं के तापमान ज्यादा है, कहीं के कम है। तो एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि भारत में मिट्टियों का जो विकास हुआ है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। तो ये अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हमें अलग अलग क्षेत्रों में मिलती हैं, जो भारत में एक तरह से विविधता भी पैदा करती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मिट्टी होगी तो उसमें अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा होंगी। तो अलग अलग प्रकार की जो रीति रिवाज है या लोगों का खान पान है, वो इससे विकसित होता है। तो ये भारत की एकता और अखंडता के साथ भी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। तो वर्गीकरण में हम आगे चलते हैं। सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली भारत की मिट्टी है, इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल, पानी के द्वारा निक्षेपण से बनती है। अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां जन्म लेती हैं, वहां से वो अपरदन कार्य करती है, अपने साथ मिट्टी लाती है, कंकड़ पत्थर लाती है, और मैदानी क्षेत्रों में उस चीज को वो विस्तृत क्षेत्र में फैला देती है। जब भी वहां पर बाढ़ आती है तो वहां से वो फैल जाते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। वैसे अजोनल सॉइल होती है, क्योंकि इसका निर्माण कहीं और हुआ है और ये निक्षेपित कहीं और हो जाती है। और इस मिट्टी की मोटाई जो है वो काफी ज्यादा होती है। आमतौर पर सभी प्रकार की फसलें जो है उस मिट्टी के ऊपर भारत में उगाई जाती है। इस हो सकता है कि इसी वजह से भारत जो है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ की मिट्टियां ज्यादातर जो है उपजाऊ है। बहुत कम ऐसी मिट्टियां यहाँ पर है जिनका उपजाऊपन कम है, तो उन्हीं में से एक ये मिट्टी है, अलुवियल सॉइल है, जिसका उपजाऊपन बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो मिट्टी है ये दो प्रकार की होती है, इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक को हम बोलते हैं बंगर और दूसरी को बोलते हैं खादर। खादर मींस नई जलोढ़ मिट्टी और बंगर मींस पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि बंगर की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है और खादर की जो हाइट है वो कम होती है जी। कल बाढ़ें आती हैं उस क्षेत्र में खादर मिट्टी, और जिस क्षेत्र में बाढ़ें नहीं आती है, कभी कभार आती है, उसको हम बोलते हैं बंगर मिट्टी। नेक्स्ट है हमारी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसका रंग जो है वो काला होता है, इसको हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। ये दक्षिण भारत के पठारी हिस्सों में बेसाल्ट के चट्टानें हैं, उनके टूटने से बनी हुई, अवचट्टानों के टूटने से बनी हुई है। इसके कणों का जो आकार है बिल्कुल ही महीन होता है, जैसे मैंने पहले बात की थी वैसा इनका आकार होता है, बहुत ही छोटा। और इनकी जो जल धारण क्षमता है अधिक है, बहुत लंबे समय तक इनमें पानी इसमें रह सकता है। गिली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और आमतौर पर ये बहुत सारे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण ये मिट्टी है। और भारत में यदि हम बात करें तो ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त ये मिट्टी है। हमारे ये की जो कपास की प्रोडक्शन है वो इसी काली मिट्टी के क्षेत्रों में होती है, और दक्षिण के पठार में इसका वितरण हमें मिलता है, मुख्यतः महाराष्ट्र में जी। नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी। वैसे अगर हम क्षेत्र की बात करें तो भारत में इसका जो वितरण है वो दूसरे नंबर के ऊपर है, तीसरे नंबर के ऊपर काली मिट्टी का, पहले नंबर के ऊपर जलोढ़ मिट्टी का है। तो लाल पीली मिट्टी में भी नाम से स्पष्ट है, इसका रंग जो है लाल या पीला होता है।
जो कि लोहांश की मात्रा से, लोहे के लिए हम जानते हैं कि लोहे करता है तो ये थोड़ा भूरे रंग का या लाल रंग का हो जाता है, तो इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक है, उपजाऊपन इसका कम है और कुछ पीलापन लिए हो जाती है जलयोजन की क्रिया के कारण, इसका रंग थोड़ा पीला हो जाता है जी। अगली है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी का नाम जो है एक ग्रीक वर्ड है लेटर, जिसका मीनिंग होता है ईंट, यानी कि ईंट जिसका इस्तेमाल हम गृह निर्माण सामग्री में करते हैं जी। इस मिट्टी से ईंटें भी बनाई जाती हैं। जब ये सूख जाती है तो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, तो इससे हम इंडस्ट्रीज में ईंटें भी बनाते हैं। ये एसिडिक नेचर की ये सॉइल है, कम उपजाऊपन है और जिन क्षेत्रों में भारत के बहुत ज्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इस मिट्टी का निर्माण हुआ, जैसे कि भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र है, मेघालय के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये मिट्टी हमें मिलती है। पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है, लेकिन अगर इसका उचित ढंग से संरक्षण किया जाए और इसमें जिन चीजों की कमी है उसको अगर पूरा किया जाए तो इन क्षेत्रों में चाय, काजू की या कॉफी की और कोकोनट रबड़ वगैरह की जो कृषि है वो इस प्रकार की सॉइल के ऊपर भारत के दक्षिणी हिस्सों में की जा रही है जी। अगली हमारी मिट्टी है मरुस्थली मृदा, जैसे कि इसका नाम ही मरुस्थली है तो मरुस्थलों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये मिट्टी जनरली होती तो उपजाऊ है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कमी जो है वो किस बात की है, पानी की कमी। इसमें नमी की मात्रा कम है, अगर नमी की मात्रा इसमें बढ़ा दी जाए, सिंचाई व्यवस्था कर दी जाए तो ये मिट्टी हमारे लिए काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। रंग इसका लाल या भूरा होता है, रेतीली होती है और साथ में लवणीय क्यों होती है, क्योंकि इसमें पानी की कमी पाई जाती है। और ये मिट्टी ये पर्वतीय भागों में पाई जाने वाली मिट्टी है, इसकी मोटाई जो है वो कम होती है क्योंकि अपरदन जो है वो ढलानों के ऊपर ज्यादा होता है, ढलानों के ऊपर अपरदन प्रक्रिया ज्यादा होने के कारण इसकी मोटाई कम होती है और जो छोटे कण वो बह करके चले जाते हैं, बड़े कण जो है वो इसमें फैल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा उपजाऊ तो नहीं है, लेकिन जो फुट हिल्स होती है पर्वतों के नीचे वाले जो हिस्से हैं वहां पर एक्युमुलेट हो जाती है और वहां पर इसका इसकी जो उपजाऊपन है वो कई क्षेत्रों में ज्यादा भी होता है जी राहुल जी। और ये जो आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है आपकी बुक में से है, 10th क्लास की बुक में से, इसमें मिट्टियों का वितरण दिखाया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र भारत में मिट्टियों से जिस मिट्टी से घिरा हुआ है वो है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, फिर पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और उसके बाद फिर लैटराइट मिट्टी वगैरह है। तो इसको आप ध्यान से अपनी बुक में भी देखिएगा, आपकी बुक में ये मैप दिया गया है। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो बच्चों तो आप पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, कोई और सेशन होगा तब भी हम ले पाएंगे, अभी भी है तो अभी भी हम बिल्कुल मृदा से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है वो आप जरूर भेजिएगा, हम कुलदीप जी के पास इन्हें भेजेंगे। हमारा समय भी अब समाप्ति की ओर है, मैं बस आपसे एक मिनट में यही जानना चाहूंगा कि चूंकि हमने मृदा के बारे में इतना विस्तार पूर्वक जाना और चूंकि अभी क्लास 10th ही है, तो जो एग्रीकल्चरिस्ट हमारे पास आएंगे आने वाले समय में उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन्हें और ज्यादा इसकी तफसील से पढ़ाई करनी होगी या उनका यदि इंटरेस्ट है तो वो एक अच्छे वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, तो इसमें इस पार्ट की महत्ता क्लास के हिसाब से क्या होगी आपसे मैं जानना चाहूंगा एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में मृदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे संसाधन है और मृदा विज्ञान है उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। इस ब्रांच में भी बच्चे जो हैं वो आगे एग्रीकल्चर साइड में जाएंगे तो बहुत ज्यादा गहन अध्ययन इसमें कर सकते हैं। पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो हमें मिट्टी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान इसमें देना ही पड़ेगा। अगर हम मिट्टियों का ध्यान अभी नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमें खाद्य संकट से गुजरना पड़ सकता है, तो इन मिट्टियों का हमने संरक्षण भी करना है और इनको हमने अपरदन से बचाना भी है। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके आसपास मिट्टी है या जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है वो मिट्टी का विशेष ध्यान रखें, इसको अपरदन से बचाने की कोशिश करें, इसका निम्नीकरण होने से इसको बचाएं। बिल्कुल, मृदा का संरक्षण बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और जैसा कि आपने भविष्य की जो संभावनाएं बताई हैं उनमें जो भयावह स्थिति छिपी हुई है उससे भी निपटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन सब बातों का ध्यान रखें। कुलदीप जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये हमारा आज का सत्र पढ़ाया मृदा से जुड़ा हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका जी। नमस्कार, हमारा ये सत्र यहीं समाप्त होता है, आप कहीं मत जाइएगा, अभी थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं अगला सेशन लेकर, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए PME विद्या चैनल। नमस्कार।